क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हमें दे रखा है। तो किस तरीके से ये हो जाएगा, मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, अब हमें क्रमागत चाहिए यानी कि इसके बाद क्या आएगा या इससे पहले क्या आएगा। तो जैसे कि क्रम से आने वाले, जैसे एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, या आप क्रम से ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपने इसको तीन लिख लिया और आपको दो लिखना है तो आप इसको x माइनस वन भी लिख सकते हैं दूसरे वाले को। सामान्यतः प्लस में लेके चलते हैं हम, वह दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वन, क्रमागत चाहिए, इस तरीके से ये बढ़ रहे। अब दे रखा है मैं प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग किसके बराबर है 365। करेंगे इसको सॉल्व, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल देंगे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस टू एक्स वाई, टू इंटू वन इंटू एक्स, टू एक्स प्लस टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये 365 इधर ला रहा हूं, माइनस का 365 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 364 रह जाएगा प्लस टू 0, तो कॉमन लिया जा सकता है, लेंगे और इधर ले जाएंगे अपॉन में 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 प्लस टू 0। करेंगे इसको सॉल्व, 182 कैसे गुणनखंड या 1 है, गुणा करके क्या आना चाहिए 182 इंटू वन यानी कि 182 और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास 1। 182 के ऐसे फैक्टर देख लेते, 91, 13 हो जाएगा 12, वो 14, ये 13, 14 माइनस 13 1 हमारे पास आ रहा है, देखते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे इसमें से एक्स कॉमन, ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस 13 इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहां बच जाएगा एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, कॉमन पा ले लेंगे हम एक्स प्लस 14, इधर बच जाएगा एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, प्रॉप कर लेंगे, देखते हैं इसको यहां पर, जब एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू माइनस 14, वह जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। नेगेटिव हमने नहीं लेना है क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक पूछे हुए, उसको नहीं लेंगे, केवल ये ले लेंगे, इसलिए दो क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएंगे हमारे पास 13 व 14 होंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा।